इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश लॉ यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा नियमित पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जो कि संबंधित है नॉन टीचिंग की वैकेंसी से। हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम ऐसी वैकेंसीज निकलती है जिसमें आपको नियमित आधार पर अपॉइंटमेंट दी जाती है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सबसे पहले आपको बता दें, 13 अगस्त 2021 से यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके माध्यम से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2021 से निर्धारित की गई है। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सेक्शन ऑफिसर की एक वैकेंसी है, 15,600 से लेकर 39,100 प्लस 5400 रुपये ग्रेड पे दी जाएगी। ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसके लिए भर सकते हैं, या इट्स इक्विवेलेंट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 2 का है तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। दूसरी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, सेक्शन ऑफिसर अकाउंट से संबंधित है, एक ही वैकेंसी, और इसके लिए देखिए ग्रेजुएट होने चाहिए आप, या फिर 5 ईयर आपके पास सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 2 का एक्सपीरियंस है तब भी आप एलिजिबल है, या आपने CA किया है, चार्टेड अकाउंटेंट है आप, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो एक वैकेंसी यहाँ पे है, और इसके लिए भी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ क्लर्क इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी आपके पास है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यदि आपके पास इस तरह का आपने कोई क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ड्राइवर कम ऑफिस अटेंडेंट हैव बी, दो वैकेंसीज इसकी निकाली गई है, 10th पास और आपके पास हैव बी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे ड्राइवर कम ऑफिस अटेंडेंट लाइट, इसकी भी दो वैकेंसीज निकाली गई है, मैट्रिक पास आप होने चाहिए और लाइट व्हीकल हैव बी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। आगे बात करते हैं क्लर्क की, 15 वैकेंसीज निकाली गई है, प्लस 2 पास आप होने चाहिए और आपके पास 30 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड यहाँ पे मैंडेटरी की गई है, नॉलेज ऑफ MS ऑफिस इंक्लूडिंग MS एक्सेल एंड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की भी आपके पास होनी चाहिए। केयरटेकर की एक वैकेंसी है, प्लस 2 पास यदि आप है तो आप केयरटेकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार की 5 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक रखी गई है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10 वैकेंसीज निकाली गई है, ये भी एक अच्छा मौका है आपके पास, और इसके 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसको प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। एक्स सर्विस मैन हु हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम द सर्विसेज मोस्ट रिसेंटली, द एक्स सर्विस मैन मेल सिक्योरिटी गार्ड शुड बी प्रेफरली बिलो द एज ऑफ 50, 50 वर्ष से कम यदि कोई एक्स सर्विस मैन है तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी वहाँ पर प्राप्त कर सकता है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की यदि बात की जाए तो इसके लिए देखिए 2 वैकेंसीज निकाली गई है, 12वीं पास यहाँ पर होने चाहिए और 1 वर्ष का डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। PN की 10 वैकेंसी निकाली गई है, सिंपली मैट्रिक पास यदि कोई कैंडिडेट है तो PN की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। स्वीपर की भी 10 वैकेंसी निकाली गई है, मिडिल पास एक क्वालिफिकेशन रखी गई है तो स्वीपर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ टर्म एंड कंडीशंस है ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको हमारे फेसबुक पेज इलाइट स्टडी, अपने फेसबुक पर जाना है, इलाइट स्टडी टाइप कीजिए, वहाँ पर आपको सारी की सारी इमेजेस भी इसकी अपलोड कर दी जाएगी। देखिए नियमित रूप से आप पढ़ते रहेंगे, निश्चित तौर पर नौकरियाँ आपको मिलेगी ही मिलेगी। कुछ ही दिनों में पुलिस कांस्टेबल की एडवर्टीज हिमाचल प्रदेश में आने वाली है, बहुत ही बेहतरीन किताब इलेक्ट्री टीम के द्वारा तैयार की गई है। इस किताब के साथ आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। GIT कंप्यूटर की एक ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रही है, और भी कुछ दिनों में आपको पता है सेक्टेट में 100 वैकेंसीज है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 125 है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए आपके समक्ष एक किताब है। हिमाचल प्रदेश में GIT कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा की तैयारी आप इस किताब के साथ कर सकते हैं, और भी बहुत सी बहुमूल्य किताबें आपको मिल जाएगी। HS की
की ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रही है। कुछ ही दिनों में अलाइड सर्विसेज की रिक्रूटमेंट भी आने वाली है, एनटी की रिक्रूटमेंट भी होगी। पिछले 3-4 वर्षों से एनटी की कोई भी वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में नहीं भरी गई है। तो इन परीक्षाओं के लिए आप इस किताब को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये एनसीईआरटी फैक्ट के आधार पर इस किताब को बनाया गया। इस किताब में आपको मिलेंगे 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक, जो कि आपके लिए उपयोगी साबित होगा एचएस अलाइड और एनटी की परीक्षा के लिए। इसके अलावा विभिन्न तरह की बहुमूल्य किताबों के लिए आप विजिट कर सकते हो इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।